नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, एक खबर जो है वो UP SSSC से आ रही है। UP SSSC 2018 का जो वीडियो का एग्जाम था, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और आपका समाज कल्याण पर्यवेक्षक का जो एग्जाम था, जो कि 2018 में उसका नोटिफिकेशन आके दिसंबर में एग्जाम हुआ था, और उसका जो रिजल्ट था वो पिछली साल आया है रिजल्ट। और जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइम से ही बहुत ज़्यादा मतलब ये भर्ती जो है घेरे में आ गई थी। पहली बात तो पॉइंट ये था कि ये इस भर्ती में पेपर लीक हुआ था, पेपर आउट हुआ था, सॉल्वर मिले थे। और पेपर आउट का तो ऐसा था कि पेपर आप देख के आओगे तो उससे पहले ही आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ मिलने शुरू हो गए थे, व्हाट्सएप पे वायरल हो गए थे। लेकिन बहुत ही एक तरीके से माना जाए कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी भर्ती को ये नहीं मानती कि ये चीज़ जो है ये आउट हुई है। तो आखिरकार उन्होंने जो है अब ये एक तरीके से एक इंडिकेशन है जो उन्होंने ये चीज़ मान ली है। जब अगस्त में, जब पिछली साल जो है इसका रिजल्ट आउट हुआ था, अगस्त सितंबर करीब आउट हुआ था इसका, तो उस टाइम पर भी एक एलिगेशन ये लगा था कि जिनके कट ऑफ से ऊपर नंबर थे वो भी बाहर हो गए थे लड़के। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी इस वीडियो के एग्ज़ाम में जो कि बहुत एक तरीके से बहुत नाइंसाफी हुई थी। अब हुआ क्या है उसमें, देखिए अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई जो आपका जो है अभिलेखा परीक्षण की जांच होनी थी, मतलब रिजल्ट आउट हो गया था, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कराया जाएगा। अब SIT गठन किया गया है, SIT का, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो कि इस पूरी भर्ती को जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक नापेगी, बिल्कुल बिल्कुल जांचेगी उसको, नापेगी कि क्या क्या चीज़ें उसे ऐसे हुई थी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं उन लड़कों से दरखास्त और करना चाहता हूँ जिनके पास सबूत हैं तो वो SIT तक उसको पहुँचाएं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई SIT की जो जांच करी गई, जो SIT जो है बैठाई गई है, SIT जो है वो आपका 29/5/2020 में इन्होंने SIT का गठन कर दिया है। और SIT जो है अब इस पूरी भर्ती को जो है शुरू से लेके आपका देखिए अभिलेखा सत्यापन, अंतिम परीक्षा फल घोषित किए जाने आदि की जाँच पूर्ण होने तक स्थगित रहेगी। मतलब आपका जो है इसका जो भी फाइनल रिजल्ट हो गया और जो भी सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ होने थे, वो आगे का प्रोसेस अब कुछ नहीं होगा जब तक कि SIT अपनी रिपोर्ट नहीं करती। और SIT ने अगर ये बोल दिया कि नहीं इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो ये समझ लीजिए ये भर्ती दोबारा निरस्त हो जाएगी। आपका जो है भर्ती दोबारा, भर्ती निरस्त होकर इसका एग्जाम जो है फिर आगे आने वाले समय में होगा। आगे आने वाले समय का मतलब है कि इस साल के एंड तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर क्योंकि भर्ती तो धांधली हुई है इसमें, क्लियर हुई है। देखिए UP SSSC में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन UP SSSC में सबसे ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, UP SSSC का कोई एग्ज़ाम मैंने आज तक नहीं देखा जो कि बहुत ही एक तरीके से वो जिस पे एलिगेशन ना लगे हों। पिछले साल आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था जून में, जून के करीब एग्ज़ाम हुआ था उसका, मंडी समिति का, रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं, आज तक कुछ पता ही नहीं है कहाँ गया वो पेपर, कहाँ गया वो एग्ज़ाम। और उस एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कुछ एलिगेशन लगे थे। तो दोस्तों, जो लोग इसमें इस एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उन लोगों के लिए यह है कि अब वो थोड़ा सा मतलब एक ही उनको सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि चलो SIT तो रही, अब SIT क्या जांच करती है ये देखने की वाली चीज़ है। क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो SIT दिखावे के लिए करती है, और SIT को एंड में ये बोल दिया जाता है कि आप जो है इस रिपोर्ट को ओके कर दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। लेकिन हाँ, अगर ये इन्होंने ईमानदारी दिखाई SIT ने, और SIT ने बिल्कुल क्लियर, अब देखिए वैकेंसी के नाम पर इनकी कितनी वैकेंसी फंस गई है, 69,000 जो आपका टीचिंग है उसमें करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं। फिर उसके बाद दरोगा भर्ती 2016 उसकी POP रुक गई, लड़के घर जाने वाले हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। फिर उसके बाद अब आ गई ये आपकी BDO की जो भर्ती है, ये भी आपकी जो है फंस गई। तो कुल मिला के ये है कि करप्शन का कहीं ना कहीं एक एंगल तो बनता है, और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके ऊपर एलिगेशन ना लगे तो बहुत ही निष्पक्ष रूप से जांच करवानी चाहिए, और निष्पक्ष तरीके से ही उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको जो है पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए कि हाँ देखिए भाई ऐसा ऐसा था, गलती हुई, ऑफिसर से हुई, किससे हुई, और अब इस तरीके से भैया ये चीज़ आ गई, SIT की रिपोर्ट ये कहती है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।